सो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि गाइस आज मैं आप लोगों को वो ऐसे तरीके बताना चाहता हूँ जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। यस गाइस, बहुत सारा यानी बहुत सारा। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, या आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, या आप एक ऑनलाइन में काम करते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ मैं ऐसे 7 तरीके बताऊंगा सिर्फ एक प्रोग्राम से, दैट इज कॉल्ड बिल्डरल, जहां से आप $200 से भी ज्यादा, मतलब 15,000 से भी ज्यादा पर डे की अर्निंग कर सकते हो। और गाइस बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो $1,000 भी बिल्डरल से अर्न कर रहे हैं, वो भी सर्विस देके, ना कि सिर्फ बिल्डरल का एफिलिएट करके। तो कैसे क्या चीज होती है वो चीज मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है। लेकिन ये जो टॉप 7 चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिल्डर में, वो चीज मैं आपको बताऊंगा जिसका आप यूज करके, ना कि सिर्फ एफिलिएट करके बिल्डर का, बहुत और भी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो बिल्डर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और गाइस एक लाइक जरूर देना ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस मैं बार बार लेके आऊँ और आप काफी ज्यादा पैसा अर्न कर पाओ और कुछ सीख भी पाओ। और प्लीज अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो कि आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप ये मन में सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता, सो यू कैन नेवर डू एनीथिंग। और गाइस बिलीव मी, ये एक बहुत बड़ा सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, और अभी सिर्फ ये समझ लो इंडिया में आया है। आप इस समय अगर इसको ग्रैब कर लेते हो तो आज से 6 महीने बाद, आज इस अपॉर्चुनिटी से आप 10 से 20 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि याद रखो गाइस, वही राजा बनता है जो दूर से ही विजन को समझ लेता है, वही राजा बनता है जो दूर से ही चीजों को समझ लेता है और उसके बाद उस पर काम करने लगता है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो आपका विंडोज हो, इन सभी लोगों ने दूर से ही चीजों को देख लिया था। चाहे वो आज के जेफ बेजोस हो, उन्होंने दूर से ही देख लिया था कि ई कॉमर्स एक दिन बूम पे जाने वाला है, और आज वो हो रहा है। तो वही यही भी चीज है कि बिल्डरल बहुत ज्यादा बूम पे जाने वाला है इंडिया में, क्योंकि इतना ज्यादा बेनिफिट कोई नहीं देता। तो सबसे पहला जो फीचर है गाइस, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला फीचर है गाइस, क्रिएट वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। गाइस क्या होता है, देखो डिफरेंस क्या है, आप फ्री में भी ये चीजें कर सकते हो, लेकिन फ्री में ऑल दो वो चीजें, जो चीजें आपको यहाँ मिलेंगी वो चीजें आपको वहां नहीं मिलेंगी, मतलब उतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन और बिना टेक्निकल नॉलेज। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी बंदा ये सब चीजें यहाँ क्रिएट कर सकता है बिना टेक्निकल नॉलेज के। और प्लस यहाँ देखो, ब्लैंक पेज, ठीक है, मेंबरशिप एरिया, अंडर कंस्ट्रक्शन, सेल्स फनल, लोकल बिजनेस, फूड, ई म्यूजिक, फैशन, हर चीज के लिए आप अपने लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट क्लियर कर सकते हो, ना कि सिर्फ आप वो वेबसाइट अपने लिए यूज कर सकते हो। प्लस आप फाइवर पे या कोई भी ऐसी फ्रीलांस सर्विसेज जहाँ दी जाती हैं, वहाँ जाके आप उनको सर्विस दे सकते हो, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको, उनके लिए एड्स चला, सॉरी उनके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। और गाइस बिलीव मी, मेरे से डेली कोई ना कोई मिलता है जिसको वेबसाइट बनवानी रहती है, जिसको लैंडिंग पेज बनवाना रहता है, लेकिन मुझे टाइम नहीं रहता कि मैं उनके लिए काम कर सकूँ। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं फेसबुक पे, जिन जो देखना, अगर आप ग्रुप्स में जाओगे तो उनको सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, और वो भी एक एक दिन में अगर आप उनको करके दो तो वो आपको एक्स्ट्रा भी पैसे देते हैं, मतलब डेली के $50-60 वो पे करते हैं ये सारी चीजें बनाने के लिए। और आप बिना टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ यहाँ एडिट के बटन पे क्लिक करके, ऐसा एडिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे एडिट होने लगेंगी चीजें। और गाइज, वन ऑफ द बेस्ट 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 बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट लैंडिंग पेजेस हैं ये, आप खुद गूगल में डाल के चेक कर सकते हो। व्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ चीजें खुल रही हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप प्लस अपने भी चीज़ों के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप सीपीए मार्केटिंग कर रहे हो, या चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपना वेबसाइट भी बना सकते हो। गाइज वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। यहाँ देखो, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। एडिट करना कितना ज़्यादा ईजी है, बस इस पर एडिट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऐसी कुछ खुल जाएगा, और यहाँ आप एडिट कर सकते हो, ये अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला वे ये है कि आप सर्विस दे सकते हो और इसका यूज़ कर सकते हो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा वे है, जो बहुत बड़ा वे है, आई थिंक इंडिया के लिए मैं बोलूंगा वे है, देखो कितना ज्यादा इजी है एडिट करना। यहाँ क्लिक करना, बस एडिट पे क्लिक करना और एडिट होते जाएंगी चीजें। इतना ज्यादा इजी, कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा ये सब चीजों को कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा वे मैंने कहा कि इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मेकिंग। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मेकिंग की भी सुविधा मिल जाती है, जहां पर आपको ना कि सिर्फ एंड्रॉयड ऐप, आप iOS के
लिए एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना नॉन टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। कोई भी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, सिंपली आपको अपना नाम डालना है, जहाँ आपको आई थिंक ये चीज़ नहीं दिख रही होगी, और नीचे आपको अपने नेम डालना है, अपने ऐप का क्रिएट करना है। क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे सारी चीजें क्रिएट यहाँ होने लगेंगी। उसके बाद गाइज आपको करना क्या होता है, यहाँ आप ऑल्सो पुश नोटिफिकेशन का भी यूज कर सकते हो अपने ऐप में। आपको पता होगा अगर आप एड मॉब से ऐड क्रिएट करते हो तो वहां आप iOS के लिए नहीं काम कर सकते, लेकिन यहाँ आप iOS एप्पल के लिए भी ऐप कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर देखो हर चीज की सुविधा मिल जाती है, चाहे वो डिजाइन हो चाहे वो कलर हो, ठीक है। टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं अलग अलग, और वो भी HD 3D टेम्पलेट्स, यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये ऐसे टाइप के, ना कि ये सिर्फ एडमॉब जैसे बने रहेंगे। ये बिल्कुल वो ऐप जनरेट करता है जो ऐप आपको मिलते हैं पूरे पूरे प्ले स्टोर में, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, जिनका जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है बहुत हाई लेवल का होता है। तो उस लेवल का इवन बुक, कैलेंडर, कैटलॉग, जो चीज़ आपको यूज करना है, रेडियो ऑडियो, जो भी चीज़ लोग बाहर से यूज़ करते हैं और अपने ऐप में फिट करते हैं, एडमॉप में बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती है। तो आप अपने लिए भी ऐप बना सकते हो, ठीक है। आपको जो 25, 30, 40, 50 डॉलर लगता है, जो आप दूसरी चीज़ों से ऐप बनाने जाते हो, तो अपने लिए प्लस आप ऐप बना सकते हो, प्लस अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप यहाँ से ऐप तैयार कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा दूसरा तरीका मुझे लगता है ऐप मेकिंग, जिससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, प्लस पुश नोटिफिकेशन का इसमें यूज कर सकते हो, और हर कुछ इसमें आप बिल्ड कर सकते हो। ऐसे कोई भी जो अपग्रेड फीचर्स होते हैं, जो नेक्स्ट लेवल के फीचर्स रहते हैं, ऐसा कोई भी फीचर आपको यहाँ पर अनुपस्थित नहीं मिलेगा जो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। मतलब हर फीचर आपको यहाँ मिलना ही मिलना है। अब दो तीसरी चीज की बात आती है गाइज, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बहुत ही बड़ा तरीका जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको आना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट जनरेटर। स्क्रिप्ट जनरेटर क्या चीज है आज मैं आपको बताता हूँ। स्क्रिप्ट जनरेटर वो चीज़ है जिससे को बोलते हैं कॉपीराइट फॉर्मूला। और कॉपीराइट फॉर्मूला आप जैसे ही फाइवर पे जाओगे या उडमी पे जाओगे, बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे है, लोग वहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेटर लोग से क्या करते हैं, स्क्रिप्ट खरीदते हैं और वो अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस यहाँ पर आके जनरेट स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। गाइस अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें डिटेल में, आपको एक ऑप्शन है बिल्डर में, जैसे ही आप नीचे जाओगे लेफ्ट में साइड में, वहां पर है वीडियो ट्रेनिंग, वहां क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ स्क्रिप्ट जनरेट के क्या करना है, स्क्रिप्ट जनरेटर पे क्लिक करना, और यहाँ पर जिस भी चीज के लिए आपको, चाहे सेल्स के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए स्क्रिप्ट जनरेट करना, तो ये क्लिक कर सकते हो। गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बिल्डर को बहुत ही ज्यादा तगड़े से यूज कर रहा हूँ, तो गाइज इसी तरह मैं यूज करता हूँ। हर चीज को देखो, हर चीज को खोदो, ठीक है। देखो माई वेबिनार VSL भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो हर चीज के लिए। कॉपीराइट का ये एक एक जो कॉपीराइट जनरेटर है वो 50-60 डॉलर लेते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप उनसे ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का है और यहाँ से आप सारी चीजें जनरेट कर सकते हो। तो तीसरा ये सबसे बड़ा तरीका है, ठीक है, कॉपीराइट जनरेटर। आप इसको गूगल में डालोगे तो वहां पर आपको सारे इसके ट्यूटोरियल भी मिलेंगे, और प्लस एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी आप यहाँ जनरेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है, यहाँ पर अभी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, पूरी ट्यूटोरियल्स है वहां, आप उसको देख देख के ये सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है कि तीसरा जो मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट जनरेटर। चौथा जो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी चीज है। प्रेजेंटेशन जो चौथी मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना, और जो चीज आप वो एक्सेल एक्सेल में करते हो, जहां आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, यहाँ आपको प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट या एक्सेल दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर आप जो वीडियो का वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता, आपको यहाँ वो कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है, जहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल पे वीडियो एडिट करके अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो। ये देखो यहाँ इमेज, वीडियो, वेबसाइट, शेप, सब चीज का आपको मिल जाता है, और यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ को URL डालना है, और यहाँ पर इंसर्ट करके आगे क्रिएट करना है। तो हर कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन, वेबिनार्स, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ पर इजी बिल्ड कर सकते हो अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। सारी जो चीजें मैं बताऊँ फेसबुक और आपको वहां पर फाइवर पे सेल कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज बताऊंगा आपको जो बहुत ज्यादा आपको काम देगी। तो ये हो गया आपका पांचवा सबसे बड़ा चीज, चौथा सबसे बड़ा चीज, और पांचवा जो चीज है गाइस दैट इज कॉल्ड
डिजाइन स्टूडियो, डिजाइन स्टूडियो नो कॉपीराइट गाइस। जब आप क्या करते हो, आप अपने लैंडिंग पेजेस के लिए या वेबसाइट के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई भी क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मॉकपन, मॉकपन जो भी मॉक यूज करते हो सॉरी, जो भी मॉक यूज करते हो गाइस, तो वहां क्या होता है, आप अलग अलग चीज से अलग अलग चीजों को बनाते हो, जाके फोटोशॉप करते हो, एडमॉब करते हो, मतलब बहुत सारी चीजें यूज करते हो ये सब चीजों को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ ये चीजें फ्री में मिल जाती हैं आपको, वो भी SD क्वालिटी में, नो कॉपी राइट टेंशन। मतलब हर इमेज जो आपको यूज करना है अपने प्रेजेंटेशन, अपने बिल्डर, अपने ऐप के लिए या अपने लैंडिंग पेज के लिए या अपने वेबसाइट के लिए या अपने फनल के लिए, नेक्स्ट लेवल की चीजें यहाँ आपको मिल जाती हैं। वो भी सिर्फ आप एक बार इसको खरीद रहे हो $49.9 में। फिल्टर कर सकते हो हर चीज़, हर चीज आपको मिल सकती है। प्लस यहाँ पर आपको ऐसे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो, लाइक दैट इस वीडियो को आप एडिट करके अपने फॉनर में लगा सकते हो या कहीं पर भी अपने सोशल मीडिया पे। खास कर ये जो चीज़ है ये काम आती है, जहाँ लोग जब सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं दूसरे क्लाइंट्स के, तब ये चीज़ वहाँ काम आती है। तो ये भी चीज़ आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिजाइन स्टूडियो, डिजाइन स्टूडियो ये है। तो ये काफी अच्छा बेटर है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट, अब जो लास्ट मैं आपको बोलूंगा, जो एडवाइस करूंगा, एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड ऐप मेकिंग फनल्स, ऐप मेकिंग वेबिनार्स। ठीक है, कोई भी ऐसी गाइस, अब क्या चीज है ये मैं पहले बताता हूँ, कोई भी ऐसा वो नहीं है आज तक जो आपको ऐप मेकिंग, ठीक है, ऐप के ऊपर साइट बनाना बताए। मतलब क्या कि आप जो साइट्स बनाते हो, जो लैंडिंग पेजेस बनाते हो, जो वेबसाइट्स बनाते हो, वो सारी जो होती हैं वो किसके लिए रहती हैं, वो होती हैं कंप्यूटर्स, पीसी, लैपटॉप्स के लिए। लेकिन यहाँ आपको एक ऐसी चीज मिलती है जिसको बोलते हैं ऐप साइट मेकर, एक लेटर इसको बोलते हैं मोबाइल ऐप साइट्स, मोबाइल ऐप साइट्स हैं गाइज ये। तो आप इनका यूज काफी अच्छा कर सकते हो, और ये जो होती हैं ये काम आती हैं उन भाइयों के लिए जो लोग मोबाइल्स के लिए बनाते हैं लैंडिंग पेज, वेबसाइट और एड्स, उनके लिए काफी ज्यादा काम आता है। मतलब बहुत लोग देखना वो, मतलब बहुत लोग क्या, मैं भी खुद भी, सब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टारगेट करते हैं जिनके पास मोबाइल है उनको हम अपने एड्स दिखाएं। तो हम इसके जरिए अपने मोबाइल के लिए एड्स का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो अभी तो मैंने 7 चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन आठवीं जो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी एफिलिएट मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल की है गाइस। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप इतना ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग से इसके, कि आप किसी और चीज से उतना पैसा अर्न नहीं कर सकते। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो चीज आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि गाइस देखो, आप यहाँ क्या करते हो, आप पहली चीज मुझसे सीख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ फनल मेकिंग, मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट मेकिंग, मैं आपको बता रहा हूँ चैटबॉट का यूज कैसे करना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सेल करना, ये सारी चीज आप सीख रहे हो। और यही चीज आप आगे वाले को ऑफर कर सकते हो, और उसको भी ये चीज आप सिखा सकते हो। जब ये चीज आप उसको सिखाओगे तो आप गाइज कुछ शेयर करो, सिर्फ पैसे शेयर नहीं करो, आप कुछ शेयर करो। फर्स्ट महीने में आपको पूरा 100% यहाँ से कमीशन मिलता है, और सिर्फ अगर आप 10 सेल भी निकाल लेते हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना दे के, तो गाइज अगर आपको $1700 आप आसपास, मतलब 1700 से 1600 डॉलर आपको आसपास, मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको हर महीने पैसिव इनकम आता है, तो इसमें क्या गलत है। तो इट्स वेरी वेरी ऑसम गाइज, आप बहुत ज्यादा, ये देखो बूम, एक और मुझे सेल आ चुका है। तो ऐसे करके आप काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो इससे, और यहाँ पे क्योंकि आप सीखते भी हो, सिखाते भी हो, अप्लाई भी करते हो, और काफी ज्यादा अर्निंग भी करते हो एफिलेट से। इसके एफिलेट में 2 ट्रायल का एफिलेट भी मिल जाता है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो 10 10 सेल सिर्फ आपका टीम करेगा, आप करोगे तो आपको 1600 जो है वो पैसिव इनकम आएगा, और बाकी डायरेक्ट का आपको $500 तो मिलेगा ही। तो इतना ज्यादा इजी और काफी ज्यादा अच्छा टूल है ये, जैसे कि आपको दिखाया, अभी बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है, कुछ और चीज मैं दिखाता हूँ इसमें काफी अच्छे अच्छे बेटर चीज है। और ये जो 7 चीजें मैंने बताई है इसका यूज करो, बिल्डर को और एक्सप्लोर करो, इसके चैलेंजेस लो, जहां आपको काफी चीजें पता चलेंगी। और कुछ मैं दिखाता हूँ आपको साइड में, तो गाइस ये देखो साइड में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई है, आपको मैंने सिर्फ 7 चीजें बताई हैं, और मैंने आपको वेबिनार होस्ट करने का नहीं बताया है। यहाँ पर वेबिनार होस्ट कर सकते हो आप, वेबिनार मतलब आप फेसबुक में होस्ट कर सकते हो, वहाँ आप बता सकते हो अपने बारे में, आप किस बारे में मार्केट करना चाहते हो, वो चीज बता। मार्केट प्लेस गाइस, इनका एक अलग से ही मार्केट प्लेस है, जैसे फेसबुक का एक मार्केट प्लेस है वैसे ही यहाँ आप कोई भी चीज आके बेच सकते हो, अपनी ई बुक या कोई भी चीज आप यहाँ डालो तो वो बिक जाती है। ठीक है, अच्छी ई बुक भेजोगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो बहुत तेजी से बिकेगी, जब इस मार्केट प्लेस
इसका आप यूज करोगे। तो और नीचे चलो तो यहाँ पर ट्रेनिंग गाइज, इस चीज को जरूर देखना आप आके, ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग की वीडियोस, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप कभी नहीं देखोगे अपने लाइफ में। और गाइज यहाँ पर और नीचे अगर आऊँ तो एक्सप्लोर करने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लोर करते करते थक जाऊंगा तब भी वो चीजें खत्म नहीं होंगी। फिर भी गाइज वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी, इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की। गाइज बहुत सारे अपने एफिलिएट नेटवर्क के साथ आप कंबाइंड हो जाओ, बिल्डर को अभी खरीद लो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने की और सीखने की और इसे बहुत सारा पैसा कमाने की। आप एफिलिएट करके तो बहुत सारे पैसे कमा ही सकते हो, प्लस आप बहुत सारे नेटवर्क के साथ काम कर सकते हो और एक प्रो लेवल का काम कर सकते हो इसके टूल्स को यूज करके। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और प्लीज गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्डर को एक्सप्लोर करो, बिल्डर में बहुत सारी चीजें हैं, गूगल करो, यूट्यूब करो, बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेंगी और बिल्डर को एफिलेट भी करो, कम से कम 10 कम से कम सेल्स करो और उसके बाद अलग नेटवर्क के साथ जुड़ो और काफी ज्यादा अर्निंग करो। लेकिन एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना, और वे तो बहुत सारे हैं बिल्डर से अर्न करने के, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एफिलेट करने पे पहले कम से कम 10 एफिलेट करो, उस पर जोर दो, फिर उसके बाद अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करो और काफी ज्यादा पैसा अर्न करो सिर्फ $49.9 एक बार इन्वेस्ट करके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद। अगर जिन लोगों ने अभी तक बिल्डर को ज्वाइन नहीं किया है, मैं बोलूंगा कि नीचे एक वीडियो जाके बिल्डर का पूरा प्लान देखो और मेरे पास आओ और ज्वाइन करो आज के आज।